तो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैंने जैसे ही पबजी ऑन की तो मुझे पता लगा कि पबजी का न्यू अपडेट आ चुका है। तो फिर मैं गया प्ले स्टोर और वहां से मैंने अपडेट की, और फिर अपडेट हो जाने के बाद मैंने मैप वगैरह डाउनलोड किए और फिर गेम स्टार्ट। गाइस, ये गेम प्ले नहीं है, ये मैं कुछ न्यू है ना मोड चेक करने वाला हूँ कि कौन कौन से मोड्स आए। तो सीधा ही स्टार्ट करते हैं। मैं आते ही सबसे पहले तो ये चेक करो। ओ भाई साहब, चारों तरफ धूल उड़ रही है। और कुछ देर बाद देखो क्या निकला, फेरों की आत्मा जमीन से निकली। गाइस ये चेक करो, पबजी वाले ने क्या ही बनाया है, क्या ही बनाया है। देखो तो देखो, हाथ आया पीछे से, पकड़ने की फुल कोशिश करेगा, लेकिन अपना पायलट हैवी ड्राइवर। फेरों से बचने के बाद ये स्ट्रक्चर बना होता है, मैं इधर लैंड करता हूँ, लेकिन उधर मेरे से पहले बहुत से बंदे उतर जाते हैं। मेरे पास गन नहीं होती, फिर मैं इधर आ जाता हूँ। अब देखो क्या होगा मेरे साथ। मुझे नंबर 4 रिकॉल करता है और मैं जाता हूँ आइलैंड की तरफ। हम पहुँच जाते हैं और एनिमी हम पे हमला कर देते हैं। उस मैच में हमारी पेटी बन जाती है, फिर मैं दूसरा मैच लगाता हूँ और सीधा इस पिरामिड पे गिरता हूँ। लेकिन यहाँ आने का फ़ायदा नहीं था, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते थे आइलैंड से यहाँ से। चलो आओ मैं बताता हूँ हम कहाँ से इसके ऊपर जा सकते हैं। उससे पहले ये चेक करो बाहर कैसे निकलता है ये। ये आप पीली पीली लाइन देख रहे हो, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। ये मैप में आपको मिल जाएगी, ये गोल गोल सा निशान होगा मैप में, वहाँ मिलेगी आपको। फिर सीधी जंप मारता हूँ और सीधा ऊपर। ऊपर आता हूँ तो पता चलते इधर बंदे थे। अब देखो यहाँ बस पेटी बन जाती है, फिर मैं दूसरा मैच लगाता हूँ। अब ये चेक करो गाइस, चमकादर चेक करो, ऊपर घूम रहा है। ये नया डाला पबजी वालों ने, गायब हो गया। फिर यहाँ आइलैंड वाली लिफ्ट पे आते हैं, फिर हम फेरों का इंतजार करते हैं इधर। फिर वो आ जाता है और फिर हम जाते हैं इसके ऊपर। आइलैंड पे आए और इधर बंदे ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ मैप पे कॉकरोच बना होता है, फिर यहाँ गिरते हम। और फिर देखो ये कहाँ मैंने लैंडिंग कर लिया, वाह। अब मेरे को गन नहीं मिलती, पीछे से मेरे को बंदा डैमेज दे देता, लेकिन बच जाता हूँ। मैं समझता हूँ मैं यहाँ मर जाऊँगा, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। फिर मेरे को गन मन मिलती है, मैं हेल्थ मैन भरता हूँ। अब देखो क्या करता हूँ, और ऊपर एक बंदा भी मार देता हूँ मैं यहाँ। आगे एकेम वाला बड़े बंदे मार रहा था, अब इसको लोबी तो भेजना पड़ेगा। ये
ये मेरी 0 HP कर देता है, लेकिन बच जाता हूँ, इसको भेज देता हूँ लोबी। फिर अब बढ़ते हैं आइलैंड की तरफ। लूट से आपको पता लग गया होगा कि मैं मर गया था। हाँ यार, कैंपर ने मार दिया था पीछे से मेरे को। फिर मैं रिकॉल होके आता हूँ आइलैंड पे, और मेरे साथ 4 बंदे और भी आते हैं। मुझे यहाँ थोड़ी अच्छी खासी लूट मिल जाती है, और अब इस बंदे की मौत देखो कैसे ऐसे लोबी भेजता हूँ मैं। इसी के साथ इसकी मेरा टीममेट पेटी बना देता है। पकड़ते हैं दूसरे बंदों को। इस भाई ने कौन से नशे किए हुए थे, पिस्टल पीछे रख के खड़ा हुआ था। अब यहाँ एक और स्क्वाड होती है। Watch out! न्यू मोड हो और ग्लिच ना दे पबजी वाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इससे मैं इतनी AKM की गोलियां मारता हूँ, ये नॉक नहीं होता। फिर मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने जा ही रहा था, अब देखो मेरे साथ क्या होता है। वन वी फोर फेल, 3 बंदे मैंने नॉक किए थे यार। फिर मैं यहाँ आता हूँ और 2-3 पजल सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। बड़े हार्ड पजल होते हैं, नहीं होते मेरे से सोल्व। पजल सोल्व ही कर रहा था कि पीछे से यूजी कोई बंदा चलाता है। अब अपनी लोकेशन दी है तो पेटी तो बनानी पड़ेगी। इसी के साथ इस भाई साहब को मैं लोबी भेज देता हूँ। अब ये चेक करो, अब ये आप ही बताओ ये कैंपिंग थी या फिर ये सीधी इन्होंने रश की। अब देखो तो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।